हेलो एंड वेलकम गाइस, हियर इज मनी सिंह, यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, एक बार फिर से एक नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए। ये है आपके पास में पोल्टी का पार्ट टू। तो इसमें हमने 45 क्वेश्चन तक डिस्कस के लिया था पार्ट वन में, तो आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यह है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने का अंतर उन दोनों के बीच में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास में है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा में सबसे पहले वित्त विधेयक पेश किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा बी, राज्य की कार्यपालिका के लिए राज्यपाल को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियतन। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियतन मतलब कि राष्ट्रपति के अनुसार होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कार्यकाल कितने समय तक रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो वो है 500, विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या है 500। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, 7 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। नेक्स्ट आपके पास में है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये है आपके पास में उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा विधान परिषद इसमें है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये है अनुच्छेद 370 के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। 370 के तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसका खुद का एक संसद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, और राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये है 31। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। न्यायाधीशों का कार्यकाल कब तक होता है, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्न में से कौन मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, YV चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय के लिए विद्यमान थे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है। ये है हीरा लाल JK कानिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, 24। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी आयु के 62 वर्ष पूर्ण होने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कि आयु के 62 वर्ष पूरे होने तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारत में अब तक कितनी राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की जा चुकी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 बार यहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है अनुच्छेद 352 के तहत ये किया जाता है, इमरजेंसी की स्थिति जब होती है तो यहाँ पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, 356 के तहत जब सीएम कार्य करने में असफल हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 वर्ष होती है। ठीक है, 3 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता, उसके बाद दोबारा से चुनाव करने होंगे सीएम के लिए। नेक्स्ट आपके पास, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में उपस्थित है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पे आपका है, दल बदल कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा डी, पंचायती राज से। नेक्स्ट आपके पास में कि 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये आपके पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार के रूप में मान्यता से है ये रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आर्टिकल से रिलेटेड, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को ध्यान में रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट आपके पास में है कि संविधान के प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता के शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42। नेक्स्ट आपके पास में है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने की। नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला है योजना आयोग और दूसरा आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दोनों ही संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत में प्रथम योजना के आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि 1953 ईस्वी में गठित राज्य का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा, न्यायमूर्ति फूलज अली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास में बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था? 85 में आपका ए हो जाएगा, नागौर राजस्थान से किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 87 में आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 88 में आपका ए हो जाएगा, के सी नियोगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, संविधान भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसके किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ से प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में है कि संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये था सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जून 2005 में ये पारित किया गया था। तो आज हमारे जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए, तो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आई होप गाइज आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सोन।